हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपेश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में जिसका नाम है जेएम फाइनेंशियल्स लिमिटेड। ठीक है, अब इसका मंथली टाइम फ्रेम सबसे पहले देखेंगे। वैसे तो मंथ एंड अभी शुरू मंथ स्टार्टिंग हुई है मंथ की, पर मंथली चार्ट देखने से क्या होता है ना, यहाँ पे पुराना दिख जाता है, यहाँ पे बड़े व्यू भी दिख जाता है कि यहाँ पे कहाँ कहाँ पे मेजर रिजेक्शन दिख रहे हैं। तो अभी हम अगर यहाँ पे देखें तो इससे के आसपास ही रिजेक्शन है यहाँ पे, जहाँ पे अभी शेयर अभी आया हुआ है। वो प्राइस क्या है यहाँ पे 118.17 के आसपास, और उसके बाद यहाँ पे ये 124 के आसपास। ठीक है, तो अभी छोटी सी एक रेंज है यहाँ पे, पर अभी चार्ट पैटर्न क्या है ना, अभी यहाँ पे पॉजिटिव लग रहा है। अभी ये बार बार कई बार अटेम्प्ट कर चुका है धीरे करते करते, पहले वापस यहाँ आया था, ये इधर से गया। अच्छा, पुराने लेवल हटाता हूँ यहाँ पे सारे। देखो, इसके यहाँ से ये गया ऊपर, फिर एक बार रिटेस्ट करा इसने, थोड़ा बहुत वापस से आया यहाँ पे जगह के आसपास, वापस से अटेम्प्ट कर रहा है ये। अब क्या हो रहा है ना, अगर इनकेस यहाँ पे निकल जाता है इस लेवल के आसपास, 117 के आसपास यहाँ से निकलता है और 124 के लेवल के यहाँ से निकल जाता है ये, तो अपर साइड में फिर अच्छी स्केल स्ट्रेंथ जाएगी। माना ये एक तरफा नहीं जाएगा ये, मतलब यहाँ पे दिक्कतें आएगी इनको इस जगह पर यहाँ पे जाने में, लेकिन यहाँ पे जब भी जाएगा यहाँ पे हो सकता है एक बार प्रॉफिट बुकिंग आए। क्यों आएगी? क्योंकि प्रीवियस इन्होंने भी बाय करके बैठा हो, जैसे जो 2018 में अप्रैल में यहाँ पे किसने बाय करा हुआ तो वो यहाँ से निकलेगा, जिसने यहाँ पे 2018 में यहाँ पे मार्च में लिया हुआ वो निकलेंगे, क्योंकि उनको ब्रेक इवन पे आएगा, माइनर प्रॉफिट माइनर लॉस पे आएगा, तो भी कोई ना कोई निकलने की कोशिश करेगा जिसने इस प्राइस पे ले रखा है, जिसके पास आज भी इसी प्राइस पे अटका हुआ है। क्योंकि इसकी एक्चुअल प्राइस पे आएगी ना, तो वो मतलब लगेगा कि जो प्राइस आएगी उस पर निकले अपनी ब्रेक इवन पे। ठीक है, तो वो चीज़ें होती है समय। अब क्या हो रहा है ना, इसका रीजन क्या होता है यहाँ पे, देखो ये पहले जब भी आया यहाँ पे इस जगह के आसपास, यहाँ पे वो क्यों हटा, यहाँ गिरा, यहाँ पे आते ही इस जगह के आसपास आया, इस जगह पे आती यहाँ पे, जिससे सबसे पहले यहाँ आया तो जिन्होंने यहाँ दे रखा हुआ वो यहाँ से निकले होंगे, जब वापस यहाँ पे जो फंसे होंगे वो यहाँ पे आके निकले होंगे। अब रिसेंटली अगर जो यहाँ पे जिन्होंने लिया हुआ वो अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, एग्जिट भी करेंगे, तो हल्का फुल्का डिप आ सकता है। पर अगर मंथली पे देखें तो मंथली पे भी स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो चुकी है। ठीक है, तो मंथली पे यहाँ पे भी स्ट्रेंथ दिखना शुरू हो चुकी है यहाँ पे। एक बार वीकली पे हम चल के देखेंगे यहाँ पे, तो वीकली में और मंथली में अभी बिल्कुल काफी अच्छा पॉजिटिव बुलिश लग रहा है ये। पर अभी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ना, ये हो सकता है कि अभी डेली टाइम फ्रेम पे जब जाएंगे वहां पे एक बार चार्ट देखते हैं, तो डेली और वीकली पे अच्छा ब्रेकआउट का लेवल दिखना है यहाँ पे। डेली पे क्या हो सकता है ना, ये अभी थोड़ा ओवरबोट हो चुका है, तो ओवरबोट हो चुका है तो यहाँ पे क्या हो सकता है ना, हल्की फुल्की इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ जाएगी। हल्की फुल्की अगर गिरावट आती है तो वो अच्छी है इस शेयर के लिए, एकदम से तेजी निकल जाएगा ना, तो फिर थोड़ी सी दिक्कत है। जिससे अच्छा है ना कि प्रॉपर वे में चार्ट निकलेगा, शेयर निकलेगा, तो ज्यादा बेटर वे में रहेगा ये। तो एक बार हम लेवल देखते हैं, सपोर्ट लेवल कहाँ का दिख रहे हैं, 114 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, उसके बाद सपोर्ट लेवल है यहाँ पे 106 के आसपास। ठीक है, तो हमें यहाँ पे देखना ये सपोर्ट लेवल है हमारे लिए इसमें, और रिजेक्शन लेवल तो हमने देख ही लिया था, उसको भी एक बार मार्क कर लेते हैं हम। रिजेक्शन लेवल में क्या आ रहा था, रिजेक्शन लेवल में जो आ रहा था लेवल वो है इस रेंज में, रेंज बनाएंगे हम यहाँ पे 124 से लेकर यहाँ पे, कौन सी रेंज आ रही है यहाँ पे, ये इस जगह की, ये एक रेंज इसमें। ठीक है, इस रेंज के ऊपर जब यहाँ पे सस्टेन करेगा, निकलेगा यहाँ पे, तब ये और ज्यादा अच्छा हो जाएगा इसमें। तो हमें इस लेवल में ध्यान रखना है कि यहाँ पे आके रिजेक्शन लेता है या फिर क्या करता है अभी शेयर इसमें, और अगर थोड़ा सा भी ये डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट आता ही है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग आती है यहाँ पे, तो इन सपोर्ट को ध्यान रखना 114 के आसपास और 105 के आसपास, बाई चांस यहाँ पे मिलता है तो अच्छा सपोर्ट लेवल है। उसके बाद अगर फिर भी ये गिरता ही है तो फिर ये मेन सपोर्ट लेवल आएगा यहाँ पे 90 के आसपास, पर मेजर इतने जाने के चांसेस कम है, क्योंकि यहाँ पे मेजोरिटी अच्छा सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है, और अभी शेयर का जो मेन स्ट्रेंथ है यहाँ पे मंथली पे और वीकली पे देखने को मिल रही है पॉजिटिव साइड में। और इसमें यहाँ पे कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं, जो भी चार्ट के बेसिस पे लग रहा है वो आपके साथ शेयर कर रहा है यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन रेगुलर बेसिस आपको देखने को मिल रहा है। थैंक यू फ्रेंड्स।